इस वीडियो में अपना क्रिप्टो वॉलेट आपको लाइव हैक होता हुआ दिखाने वाला हूं। तो सीन ऐसा है कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मुरलीधर प्रभु, तो स्टेप इन की मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद इनके 60,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, जब उसका रीजन जानने की कोशिश करी तो बड़ा ही शॉकिंग निकला रिजल्ट, और पूरा एक नाट्य रूपांतरण करके दिखाने वाला हूं आपको कि क्या गलती हुई मुरलीधर से जिससे उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया और आप कैसे बच सकते हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे अपने वॉलेट में थोड़े से पैसे डाले हैं, थोड़े से मतलब बिल्कुल ही थोड़े से हैं, 70-80 रुपए ओनली, जो कि मैं हैक करवाने वाला हूँ हैकर से, और आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या गलतियां करी मैंने जिससे मेरे वो 70-80 रुपए चले गए। तो सीन ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको अपना मेटामास्क वॉलेट दिखा देता हूँ। तो मेटामास्क वॉलेट में मेरा 0.002 BNB अप्रोक्सीमेटली $1 के आसपास मैंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं स्टेपिन की साइड पे, क्योंकि स्टेपिन काफी ज्यादा फेमस चल रहा है। तो ये दिख रहा है मेरे को स्टेपिन NFT ऑनलाइन, ये मैं खोल देता हूँ। तो ये वेबसाइट इनकी पूरी खुल गई है, और यहाँ से नीचे सब लेजिट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये कह रहा है लॉगिन विद मेटामास्क, तो यहाँ पर मैं मेटामास्क से लॉगिन कर लेता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ। अब ये बोल रहा है कि कन्फर्मेशन करने के लिए एक बार सीक्रेट रिकवरी फ्रेज डालना होगा, वो मैं डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन कन्फर्म कर दिए, और यहाँ पे कुछ इशू चल रहा है तो ये काम नहीं कर रहा है शायद, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो घड़ी से 3 मिनट भी नहीं हुए हैं, और अब अगर स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा BNB जीरो हो गया, जितना पैसा था सब चला गया। अगर मैं यहाँ पे स्मार्ट चेन पर हैं, अगर मेरा इथेरियम मेन नेट या पॉलीगॉन मेन नेट या किसी भी दूसरी चेन के ऊपर कोई भी टोकन का फंड होता तो यहाँ पे इस टाइम पे जीरो हो गया होता, और एग्जैक्टली यही हुआ था मुरलीधर के साथ। तो सिस्टम यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, मैंने क्या यहाँ पे गलत किया, या फिर उसके पर्टिकुलर एड्रेस को मैं जानता ही नहीं, तो पैसा चला कैसे गया बिना कन्फर्मेशन के। अगर मैं आपको एक्टिविटी में दिखाता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि देखो ये स्टेटस मैंने कन्फर्म किया है, ब्लॉक एक्सप्लोरर पे चाहो तो आप ट्रांजैक्शन देख सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है सक्सेस, ये $0.77 मैंने ट्रांसफर करा है, फीस भी भरी है, सब चीज लेजिट है, लेकिन आपके सामने हुआ ये जो भी हुआ, मैंने तो कुछ करा ही नहीं ना यहाँ पे आपके सामने बैठे हुए। तो सीन ऐसी है कि अगर आप यहाँ पे जाओगे गूगल पे, और जो पहला लिंक आ रहा है वो एक ऐड है जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक है बड़ी स्लाइटली, ZTPN, स्टेपिन को स्टेपिन बोला हुआ है। दूसरे लिंक पे देखोगे तो स्टेपिन NFT ऑनलाइन, लेकिन यहाँ पे stepin.com की जगह stepin.bar लिखा हुआ है। तीसरे लिंक पे आते हैं तो ये ऑफिशियल है stepin.com, और बेसिकली ऐसा सिर्फ स्टेपिन नहीं बल्कि कितने भी जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं सब के अंदर ये काम होता है, दुनिया भर की फिशिंग होती है। और उनको मेरा मेटामास्क कैसे एक्सेस मिल गया, कैसे मैंने यहाँ पे अपना पैसा जाने दिया, वो बताता हूँ। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया stepin.bar पे, तो उन्होंने एक एग्जैक्ट क्लोन वेबसाइट यहाँ पे बनाई हुई है। अगर मैं आपको यहाँ पे गूगल पे दिखाता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्टेपिन वेबसाइट क्लोन, तो देखो पहला लिंक लिखा हुआ है कि किसी ने इस तरीके की यहाँ पे रिक्वायरमेंट डाली हुई है कि आई नीड टू फुल क्लोन stepin.com मूव टू अर्न वेबसाइट्स एंड इट्स फीचर्स, और इसके कुछ ही $1,000 ये लोग पे करने को तैयार हैं। मतलब ऐसे हैकर्स बैठे हुए हैं जिनको एग्जैक्ट सेम वेबसाइट कॉपी बनानी है और उसके बदले में पैसे दे देते हैं, और जो प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स होते हैं वो उनको साइट वैसी बना के दे देते हैं। लेकिन गेम कहाँ पे पलटता है वो दिखाता हूँ। जब यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया तो पहली बात तो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे सीधा बॉक्स आता है कि आप एंड्रॉइड का ये लिंक है और iOS का ये लिंक है, ऑफिशियल अपने स्टोर्स पे जाके डाउनलोड कर लो। लेकिन यहाँ पे मेटामास्क का लिंक दे दिया है, जो कि पहला सस्पिशन है, क्योंकि इस गेम का मेटामास्क से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये अभी तक चल रहा था सोलाना पे। अब ऐसा किसी भी प्रोजेक्ट के साथ हो सकता है, जैसा मैंने बताया जब मैंने लॉगिन पे क्लिक करा तो उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर की तरफ नोटिस करोगे कि ये एक मेटामास्क की विंडो नहीं है, बल्कि इसको प्रोग्राम ऐसा किया हुआ है कि लगे मेटामास्क की विंडो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मूवेबल विंडो है, बेसिकली ये एक ब्राउजर की विंडो है जिसका ऊपर इस तरीके से उसको डिजाइन कर दिया है। यहाँ पे देखो एड्रेस भी डाल सकते हो, जबकि एक्चुअल जो मेटामास्क विंडो होती है वो कुछ ऐसी दिखती है जो एक्सटेंशन के अंदर डली हुई होती है, और आप उसके ऊपर कोई भी एड्रेस बार नहीं देखोगे, कोई भी क्लोज बटन नहीं देखोगे, लेकिन ये पोजीशन इस तरीके से खुलती है जिससे काफी सारे लोग ट्रिक हो जाते हैं कि यार इतना ध्यान नहीं जाता इतनी छोटी छोटी माइन्यूट चीजों पे। उसके बाद पासवर्ड, अब पासवर्ड यूजुअली डालना ही पड़ता है, कई बार अगर 2-3 बार सिस्टम रिस्टार्ट हो गया तो पासवर्ड डालना ही पड़ता है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। अब ये जान पूछ के एक ऐसा फ्रेज लिख देते हैं यहाँ पे कि भाई हमको वेरीफाई करनी है आपकी आइडेंटिटी, और आप यहाँ पे अपना फ्रेज डाल दो, रिकवरी फ्रेज। अब क्रिप्टो वॉलेट के सिर्फ 2 ही रूल होते हैं। पहला रूल
कि आपको अपना रिकवरी फ्रेज कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना होता, किसी भी वेबसाइट पे नहीं डालना होता। और इसके बाद रूल नंबर 2 कि फॉलो रूल नंबर 1, मतलब कि घुमा फिर आगे सिर्फ एक ही रूल है कि आपका मेटामास्क या फिर कोई भी वॉलेट का जो सीड फ्रेज जिसको हम बोलते हैं रिकवरी फ्रेज, वो अपने सीने से लगा के रखो, किसी को देने की जरूरत नहीं है, वो आपकी तिजोरी है। अगर वो आपने किसी को दे दी मतलब आप अपनी तिजोरी की चाबी दे रहे हो। अब जैसे ये फ्रेज उसको मिल गया, उसने अपने सिस्टम पे ऑप्शन यूज किया इंपोर्ट यूजिंग सीड रिकवरी फ्रेज, वहां पे वो रिकवरी फ्रेज डाला, पासवर्ड डाला, वेरीफाई करके उसके पास विंडो खुल गई। अब उसको मेरी जरूरत नहीं है फंड्स ट्रांसफर करने की, वो किसी भी एड्रेस पे पूरे वॉलेट का जितना फंड है वो डाल सकता है, और जो अप्रूवल रिजेक्ट वाली जो विंडो आती है वो भी उसी के सिस्टम पे आई होगी, तो डेफिनेटली वो रिजेक्ट क्यों करेगा, अप्रूव ही करेगा ना। तो यहाँ पे उसने अप्रूव कर दिया और यहाँ पे मेरा ये पूरा वॉलेट खाली कर दिया। अब ये वॉलेट मैंने स्पेशली नया बनाया था, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा जिससे आगे गलती से भी मैं इसमें यहाँ पे कुछ ट्रांसफर ना कर दूं। तो ये है पूरा सीन, एक छोटी सी गलती से आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है जैसे मुरलीधर का हुआ। और सीरियसली मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यार ऐसे आप किसी का भी नुकसान नहीं हो। ये NFT स्पेस है, चाहे क्रिप्टोज हैं, सब में पैसा रियल मनी इन्वॉल्व होता है, तो मैं नहीं चाहता किसी का भी एक रुपया भी फालतू इस तरीके से किसी को चूना लग जाए, कितना नुकसान हो जाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी तो ये चैनल बिल्कुल नया है, इस पर कोई मोनेटाइजेशन है नहीं, लेकिन इस वीडियो पर जितनी आगे जाके मोनेटाइजेशन हो जाती है, अगर आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैला देते हो, तो जितना ये वीडियो अगर कुछ कलेक्शन कर पाती है तो वो हम अपने सब्सक्राइबर को उनको दे देंगे, थोड़ा सा उनका भी कवरिंग हो जाएगा। पूरा तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो पाएगा, लेकिन अब जो नुकसान हो गया है, एक कुछ सीखने को मिला उससे कि भाई इतने पैसे जा सकते हैं किसी के एक छोटी सी गलती से। तो मैं चाहता हूं कि आप ये बिल्कुल भी ना करो और अपने दोस्तों के साथ फैला दो, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, इसके ऊपर मोनेटाइजेशन से कुछ अगर इकट्ठा हो पाता है तो वो हमारे फ्रेंड को हेल्प हो जाएगी। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या।